दोस्तों आरिफ का सारस कहां पर है, किस हालत में है आरिफ का सारस, वन विभाग की टीम क्यों ले गई आरिफ के सारस को, और कैसे भाग गया आरिफ का सारस वन विभाग की गिरफ्त से, इस बात को बताएंगे। आरिफ से हमारी बात हुई है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि रामायण में लिखा है कि सारस के साथ, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, सारस के साथ जिसने भी गलत किया है जीवन में उसका कभी भला नहीं होगा, कभी वो शांत नहीं होगा। रामायण की वो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, लेकिन सारस के बारे में पहले कुछ बता देता हूं कि क्या होता है सारस। सारस जो भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी होता है। सारस 5 फीट से 8 से 10 फीट का होता है। जो इसके पंखों का फैलाव होता है वो लगभग 5 से 6 फीट का होता है। सारस पक्षी का भार लगभग 10 किलो के आसपास, 8 से 10 किलो के आसपास होता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाले पक्षी का जिक्र रामायण में है। क्या है रामायण में जिक्र, और क्यों सारस अकेले रहता है, अकेले नहीं रहता है, और आरिफ को उसने अपना जोड़ा कैसे बना लिया, इस सब विषयों पे बात हुई हमारी आरिफ से, और क्या होता है बताऊंगा। लेकिन पहले रामायण में क्या जिक्र है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों रामायण में जो जिक्र है वो ये है कि एक दिन सुबह गंगा के पास बहने वाली तमसा नदी के एक अत्यंत निर्मल जल के तीर्थ पर मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ स्नान करने के लिए गए। वहां नदी के किनारे पेड़ पर सारस पक्षी का एक जोड़ा अपने में मग्न था। तभी व्याध ने इस जोड़े में से एक नर सारस को अपने बाण से मार गिराया। रोती हुई मादा सारस भयानक विलाप करने लगी। इस घटना से हृदय विदारक घटना को देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुंह से अचानक एक श्लोक छूट पड़ा। यह है वो श्लोक जो महर्षि वाल्मीकि ने सारस को लेकर लिखा था। इस श्लोक का अर्थ है, तुझे कभी भी शांति ना मिले, मारने वाले की बात कही जा रही है, क्योंकि तूने इस सारस के जोड़े में से एक को बिना किसी अपराध के मार डाला। ये सारस की बात हो रही है, और वर्तमान समय में भी सारस का जिक्र है, राजनीति भी इस पे हो रही है। कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सारस के ही एक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरिफ के बारे में तो आप जानते होंगे, आरिफ और सारस का प्रेम, एक महीने पहले हमने भी सबसे पहले कोशिश की थी, दूसरी खबर थी शायद हमारी, हमने दिखाया था कि किस तरह से आरिफ और सारस का प्रेम आपस में था। आरिफ पीछे पीछे चलते थे और सारस भी उनके पीछे पीछे चलता था, दोनों की दोस्ती थी। लेकिन इसके पीछे एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। सारस पक्षी का एक जीवन होता है, सारस अकेले नहीं रहता है। यहां आप अकेले सारस को देख रहे हैं, सारस कभी भी अकेले नहीं रहता है, सारस हमेशा जोड़े में रहता है। और क्या हुआ था, जब एक साल पहले आरिफ को ये सारस मिला था तो ये सारस घायल अवस्था में था। हो सकता है इसका जोड़ा बिछड़ गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन इस सारस ने उस अपने जोड़े को आरिफ को मान लिया था। अब ये सारस मानता था कि वो आरिफ ही इस सारस का जोड़ा है, मतलब आरिफ को ये छोड़ता नहीं था। जहां आरिफ जाता था उसके पीछे पीछे ये सारस निकल जाता था, बाइक हो कुछ भी हो। ये अपने दोस्तों के पास सारस घूमने जाता था, और घूम के जब वापस आता था तो भी आरिफ के घर में ही वापस आता था। आरिफ ने कभी इसे बांधा नहीं, वन विभाग की टीम इसे पैक करके ले गई, आरिफ ने कभी इसे कोई परहेज नहीं किया, वन विभाग की टीम बाकायदा उसको पकड़ के ले गई। लेकिन इस समय जो शुरुआत में मैंने बताया था, इस समय कहां है सारस, वन विभाग की टीम पैक करके तो ले गई थी, लेकिन वहां सारस रह नहीं पाया, क्योंकि सारस कभी खुले में रहने वाली चीज है, हवा में। और आरिफ ने सारस का जब इलाज किया था तो उसके लिए कोई पिंजरा नहीं बनवाया था, आरिफ भी खुले में रहता था। आरिफ का सारस घूमने चला जाता था, अपने दोस्तों से मिलके चला आता था, अपने दोस्तों के साथ रहता नहीं था, आता था आरिफ के पास ही, इसलिए आरिफ ने कोई पिंजरा नहीं रखा था। लेकिन वन विभाग की टीम ले गई, वहां पर रख दिया, और जैसे ही वहां का पिंजरा खुला सारस वहां से भाग गया। उसके बाद बीसया नामक एक गांव है, वहां पर सारस आया, और देखने में ये वीडियो में आपको लग रहा होगा कि सारस स्वस्थ है, और वहां के लोग भी बड़े पक्षी प्रेमी हैं और इसे दाल चावल खिला रहे हैं। उस गांव का शुक्रिया जो सारस को इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन अभी सूचना ये मिल रही है कि उस गांव में भी वन विभाग की टीम पहुंच गई और सारस को दोबारा पकड़ लिया, लेकिन वो उस गांव के
जिस टीम वन विभाग की पहुंची है उसे रामायण, अगर वो हिंदू धर्म के हैं तो रामायण का ये श्लोक उन्हें याद जरूर करना चाहिए, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने सारस को मारने वाले लोगों को कहा है कि तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सारस के जोड़े में से एक को मारा गया था तो इस वजह से कभी शांति नहीं मिलेगी। तो सोचिए वर्तमान समय में भी सारस के साथ ऐसा ही हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सारस जोड़े में रहते हैं, इसलिए सारस ने आरिफ को अपना जोड़ा माना। मैंने बताया कि सारस वाल्मीकि रामायण में भी सारस का जिक्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी सारस है। हमारी आरिफ से क्या बातचीत हुई है सुनिए इस वीडियो में। हेलो हेलो आरिफ जी, मैं मित्र प्रकाश बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आरिफ आप कैसे हैं? पता ही होगा आप लोगों को, सब लोगों को। कहाँ है इस वक्त सारस? वो समरपुर पक्षी विहार ले गए थे, वही है शायद। अच्छा। गायब हो गया, वहां से सुनने में आ रहा। अच्छा, उसकी वीडियो अभी आ रही है आरिफ की, वो एक किसी गांव में है, कुछ लोग उसे खाना खिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उसे ट्वीट किया है। जी जी, हो सकता है मिला है भैया, नहीं ट्वीट किया, देखा हमने। जी जी, देखा हमने, देखा है। अच्छा आरिफ, एक ये बातें हैं कि सारस जो है वो जोड़ी में रहता है, वो क्या वो जोड़ी उसने आपको मान लिया था, अब रह पाएगा सारस कहीं आपके बिना? हमको तो नहीं लगता हमारे बिना रह पाएगा, क्योंकि हमको लगता है 101% वो जोड़ी हमको ही मान चुका था। मैंने जब इससे पहले स्टोरी की थी आपकी, तो उसमें मैंने ये वैज्ञानिकों से भी बात की थी, पशु प्रेमियों से बात की थी, उन्होंने ये बताया था कि सारस जो होता है वो जोड़ी में रहता है और वो शुरू से आपके साथ रह रहा है, तो ये मान चुका था कि वो जोड़ी आपका है। हम ही हैं जी। हाँ, तो आरिफ अचानक ये सब कैसे हो गया? आप बड़ा अच्छा, लेके चले गए बोले ऊपर से आदेश है। आप कहीं इसमें कहीं राजनीति को या बहुत ज्यादा मीडिया के इन्वॉल्वमेंट को जिम्मेदार मानते हैं इसको? अब क्या है, कुछ नहीं, हम नहीं बता सकते क्या है कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। जैसे एकदम साधारण सा जीवन चल रहा था, तभी सोशल मीडिया पर एक खबर आई, उसके बाद से फिर दूसरी खबर हम लोगों ने की, फिर टीवी पे अचानक ये चलने लगा, फिर आपसे मिलने अखिलेश यादव आ गए जी। उसके बाद से अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि इस वजह से ही हम मिलने चले गए, इस वजह से ही सारस जो है, शायद इसी वजह। आपको क्या लगता है, योगी सरकार देगी आपको सारस वापस? हो सकता है भैया मिलने आए थे इसी वजह से। हो सकता है भैया मिलने आए थे इसी वजह से। भैया यानी अखिलेश यादव जी। ये मेरा प्रश्न है कि आपको लगता है कि योगी सरकार की जो टीम है, टीम मतलब उनका वन विभाग आया था, वो वापस आपको सारस दे देगा? हाँ, लोगों को ऐसे ही प्यार बना रहा, सब लोग भरोसा रखे, हो सकता है वापस मिल जाए। अच्छा, वहां से पक्षी भाग गया है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सारस तो आपके साथ कभी नहीं, टीम को, वन विभाग टीम को। अगर उसको कुछ हो जाता है सारस को, तो क्या उसकी जिम्मेदार समस्तपुर की टीम होगी, पक्षी विहार। बताइए, वो आपके पास से ले गए और उसके बाद से फिर कुछ उसको रख तक नहीं पाए? जी जी, समस्तपुर पक्षी विहार की टीम होगी उसकी जिम्मेदार स्वयं। उसको पिजड़े में रखे थे या खुले आसमान में रखे थे, इसलिए वो भाग गए? समस्तपुर में हमें लग रहा है उसे बंद करके रखा गया था, जैसे उसे खोला गया इसीलिए तुरंत भाग गया। अच्छा, आपको लगता है कि वो भाग गया तो वापस आएगा आपके पास? अब उसको खोलेंगे या मिल जाएगा तो कहीं भी जा सकता है, क्या पता। उसको ढक के ले गए थे, चारों तरफ से ढक के ले गए थे, उसके बारे में क्या बताया था? अच्छा, चारों तरफ से ढक के ले गए थे, जैसे जिस जगह पे इस समय उसकी वीडियो आ रही है उस जगह आपको जाने का इरादा है? कुछ लोग उसको पकड़ के रखे हैं और खाना खिला रहे हैं, देखते हैं जो बनता है, देखते हैं जो बनता है। अभी आप अपने गाँव में है या लखनऊ में है? नहीं, हम बाहर है, लखनऊ में ना गाँव में। अच्छा, तो ऐसे बाहर है दोनों जगह। अच्छा, ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। अगर सारस मिलता है तो फिर हमें बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने मेरी और सारस प्रेमी आरिफ की बातचीत सुनी। आरिफ ने वर्षों तक सारस को पाला है, उसको अपने बच्चे की तरह पालते थे, जिस तरह सारस उनके करीब था। शायद ये तस्वीर
अभी तक किसी ने कभी नहीं देखी थी। ये सारस प्रेम पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन इस प्रेम पर राजनीति भी हो गई और इसी कारण वन विभाग की टीम इस प्रेम को, एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी से अलग कर दिया और वन विभाग की टीम सारस को उठा ले गई। खैर, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर सारस को वन विभाग की टीम ले गई तो प्रधानमंत्री जिस मोर को दाना खिलाते हैं खुलेआम, उसको भी उठाकर ले जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर आप कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं? क्या आरिफ को वन विभाग की टीम को वापस कर देना चाहिए? क्या जैसे आरिफ और सारस का प्रेम था वैसा ही रहना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे भी लगता है कि ये प्रेम है और दो प्रेमियों को कभी अलग नहीं करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे मनुष्य और पक्षी का प्रेम हो। सारस को वन विभाग की टीम को आरिफ को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारस वहां खुश था और सारस को उसका जोड़ा मिल गया था। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।